सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कैंसर सीरीज का। ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कितने प्रकार के कैंसर होते हैं, वो किस कोशिका से पनपते हैं, किस तरह का कोशिकाओं का समूह जो ऊतक बनता है, ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, उसके अनुसार कितने प्रकार के कैंसर होते हैं। और फिर एक अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपसे आपके शरीर के किस किस भाग में कैंसर होते हैं और उनके क्या क्या नाम है, वो कैसे जाने जाते हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस पूरी सीरीज के साथ बने रहिएगा, आपको कैंसर की इससे बढ़िया जानकारी पूरी दुनिया में किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह ऑथेंटिक वीडियो है, क्योंकि इसका जो कंटेंट लिया गया है वो है यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से। आप डिस्प्ले में भी देख पाएंगे यहां पर लिखा हुआ है कंटेंट कहां से दिया गया है, यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दुनिया में 100 से भी ज्यादा प्रकार के कैंसर है। ज्यादातर कैंसर का जो नाम दिया जाता है वो उसके अंगों के नाम पे दिया जाता है, मतलब जिस अंग में कैंसर हुआ उस अंग का नाम दिया। मान लो आपको लंग्स में कैंसर है तो आप समझ जाएंगे या आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि फेफड़े की एक कोशिका से ये कैंसर बना था और इसका नाम है लंग्स कैंसर। लेकिन हमको ये पता है कि लंग्स कैंसर मतलब फेफड़े का कैंसर, पर फेफड़े में भी कई प्रकार के कैंसर होते हैं और फेफड़े के कैंसर फेफड़े में पाई जाने वाली अलग अलग कोशिकाओं के हिसाब से डिस्क्राइब होता है। ब्रेन का कैंसर स्टार्ट होता है ब्रेन की सेल से, लेकिन कैंसर हमेशा उसके जिस अंग से है उसी अंग के नाम से डिसाइड नहीं होता। उसका नाम वो कोशिकाओं के आधार पर डिसाइड किया जाता है। जो डॉक्टर्स जिस तरह से बात करते हैं या पैथोलॉजिकली जिस तरह से बात की जाती है, वो बात की जाती है टाइप ऑफ सेल, जहां से वो फॉर्म हुआ था, जहां से वो बना था। जैसे ये जो कोशिका ऊपर पे लगी है, ये जो जैसे चमड़ी की परत है आपकी स्किन की, तो ऊपर की जो सेल है उसको एपिथेलियल सेल बोलते हैं। ये भी एपिथेलियल है, तो ऊपर की कवरिंग हमेशा एपिथेलियल की बनती है और अंदर की जो है वो स्क्वामस सेल होती है। तो एपिथेलियम ऊतक के आधार पर, स्क्वामस सेल ऊतक के आधार पर, स्क्वामस सेल के आधार पर नाम दिया जाता है एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा, और स्क्वामस सेल पे आया तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वो इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप कैंसर के प्रति और ज्यादा अवेयर हो जाएं, आपकी जानकारी और ज्यादा अच्छी हो जाए और आपको पूरी कंफर्म जानकारी मिले कि मेडिकल साइंस किस तरह से कैंसर के फील्ड में काम कर रहा है और कितने अच्छे से इलाज इस जमाने में संभव हो पा रहे हैं। बहुत आसान भाषा में वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकेशन के हिसाब से तो ए से लेकर जेड तक की पूरी लिस्ट है, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं। और हाँ, बच्चों में जो कैंसर होते हैं उसकी लिस्ट अलग है, कैंसर एडोलेसेंस में होते हैं वो अलग है, यंग एडल्ट में होते हैं वो अलग है, और बुजुर्गों को होने वाले कैंसर अलग है, उनकी लिस्ट अलग है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सेल टाइप के हिसाब से, मतलब आपकी शरीर की कोशिका में जो कैंसर हो रहा है उसकी कोशिका के आधार पर बता रहे हैं आपको, मतलब ये और बारीकी से आपको बताया गया है। और अभी तक किसी भी जगह पे किसी भी वीडियो में आप यूट्यूब में सर्च करिए, इस तरह से डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं, चलिए शुरू कर रहा हूं। कार्सिनोमा कोशिका के आधार पर बता रहा हूं ना मैं कि आपकी कोशिका कौन सी है उसके हिसाब से। कार्सिनोमा सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर होता है और ये एपिथेलियल सेल से आता है। सेल यानी कोशिका जो आपके अंदर की सरफेस, जैसे या कि यहां से मुंह से लेकर लैट्रिन की जगह तक अंदर की जितनी भी ये झिल्ली बनी हुई है, ये सब एपिथेलियल सेल है। ये वाली सेल होंठ से चालू हुई और लैट्रिन की जगह के मुहाने तक सब एपिथेलियल सेल है, और यहां से डिस्ट्रीब्यूट होके स्किन के सारे भाग लैट्रिन की जगह तक, ऊपर से भी और अंदर से भी, मतलब ऊपर की कवरिंग और अंदर की लाइनिंग, लाइनिंग मतलब अंदर की कवरिंग, ये ऊपर की कवरिंग हो गई, और एक होता है अंदर की कवरिंग, मतलब ये वाली झिल्ली, ये लाइनिंग बोलते हैं इसको मेडिकल साइंस की भाषा में।
तो ऊपर की कवरिंग फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड सरफेस पूरी बॉडी जिस सेल से बनी होती है वो एपिथेलियल सेल है। तो ये कॉमनली जो होता है कार्सिनोमा होता है और मोस्ट कॉमन कैंसर होता है जो एपिथेलियल सेल से बनता है। तो भाई ये एपिथेलियल सेल से बनता है और इसकी जो खासियत होती है, इसका जो उतक होता है वो कॉल्यूमिनर शेप होता है, कॉलम जैसे होता है, माइक्रोस्कोप में कॉलम जैसे इसे लंबाई में दिखता है जैसे स्कैन करके। कार्सिनोमा बिगिन करता है, शुरू होता है एपिथेलियल सेल के अलग अलग प्रकारों के हिसाब से। कार्सिनोमा के भी अलग अलग प्रकार हैं। अब कार्सिनोमा के कौन से प्रकार हैं? पहले सुनो, एडिनो कार्सिनोमा। सेल मैंने पहले बताया कि हम सेल के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। अब सेल के हिसाब से पहला जो कैंसर है वो है कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा भी जो एपिथेलियल सेल से बनता है, एपिथेलियल सेल भी बहुत सारी वेराइटी में होती है। तो एपिथेलियल सेल कौन कौन सी जगह पे, अब एपिथेलियल सेल आपने लिया और उसको माइक्रोस्कोप में जब देखा तो अलग अलग कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं से भी डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे पहला हो गया एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जो है ये कैंसर होता है दैट फॉर्म्स इन एपिथेलियल सेल दैट प्रोड्यूसेस फ्लूइड या म्यूकस, तो हम इसको बोलते हैं म्यूकॉइड। यानी ये ऐसा कार्सिनोमा है जो एपिथेलियल कोशिका से तो बनता ही है लेकिन उसके पानी वाले भाग से बनता है, फ्लूइड वाले, म्यूकस वाले। तो टिश्यू विद अ टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड ग्लैंडुलर टिश्यू। इसके जो टिश्यू होते हैं, इसके जो ऊतक होते हैं वो ग्रंथियां होती है ज्यादातर। तो ये ग्रंथी वाला, तो जहां जहां भी ग्रंथी हुई जैसे ब्रेस्ट में ग्रंथियां आए तो एडिनोकार्सिनोमा होता है, जिसको एडिनोमा बोला जाता है। दूसरा बच्चेदानी में ग्रंथियां होती हैं, तो बच्चेदानी में जो ग्रंथियां होती हैं ओवरी में और बच्चेदानी के अंदर यूट्रस में, गर्भाशय में, तो वहां पे भी एडिनोकार्सिनोमा होता है। तो एडिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, बात समझ में आ गई किस तरह से एडिनोमा अलग है, एडिनोकार्सिनोमा अलग। तो एडिनोकार्सिनोमा इज अ मैलिग्नेंट कैंसर। बात समझ में आ गई किस तरह से डिफरेंशिएट होता है। तो ये जानकारी बहुत कीमती जानकारी है। ऐसे ही ब्रेस्ट में होता है, वैसे ही कोलोन में होता है ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन मतलब बड़ी आंत का कैंसर, और प्रोस्टेट में भी एडिनोकार्सिनोमा होता है। वैसे ही अगला जो कैंसर है जो कार्सिनोमा की सीरीज में, वो है बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल सेल कार्सिनोमा जो है वो लोअर यानी बेस, बेसल मतलब बेस, नीचे बेस से, घर का जो मकान का नीचे का बेस होता है वो, तो कोशिका का भी बेस होता है उस बेसल सेल से निकलता है, विच इज अ पर्सन आउटर लेयर ऑफ स्किन। जैसे लेयर ऑफ स्किन के हिसाब से भी बेसल सेल कार्सिनोमा, जैसे कि एपिडर्मिस है, ऊपर की झिल्ली जो है वो एपिडर्मिस है जो आउटर लेयर है, वैसे ही बेस वाला जो है काम है वो बेसल सेल कार्सिनोमा। तो बेसल सेल कार्सिनोमा बेस से स्टार्ट होता है। तीसरा जो है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। पहला मैंने आपको बताया एडिनोकार्सिनोमा, दूसरा है बेसल सेल कार्सिनोमा और तीसरा है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एक ऐसा कैंसर जो स्क्वामस सेल से निकलता है। एपिथेलियल सेल जो होती है ये आउटर सरफेस ऑफ द लेयर जो होती है, एपिथेलियल सेल ऐसी सेल जो जस्ट आउटर सरफेस ऑफ द लेयर के ऊपर होती है वो स्क्वामस सेल्स होती है। मतलब एकदम बेसल सेल के ऊपर आया और वहां पे स्क्वामस सेल होती है, स्क्वामस सेल के पास में ये रहता है और यहीं से पनपता है स्क्वामस सेल्स कार्सिनोमा। एक्चुअली स्क्वामस सेल्स लाइन मेनी अदर ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अंग हैं जिसको स्क्वामस सेल जो है लाइन करती है, मतलब कवरिंग बनाती है अंदर की कवरिंग। स्क्वामस सेल्स, स्क्वामस सेल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे कैंसर निकलते हैं। जैसे स्टमक में भी यदि कोई कैंसर होगा तो वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। आपकी आंतों में कैंसर है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। लंग्स में कैंसर है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। ब्लैडर में कैंसर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। किडनी में कैंसर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो स्क्वामस सेल जो है वो फ्लैट होती है, जैसे छिलका, जैसे प्याज का छिलका होता है ना, उसमें जो लेयर लेयर होती है वो स्क्वामस सेल्स है। तो वो एक दूसरे के ऊपर से निकल जाती है, छिलके बनते हैं। तो स्क्वामस सेल जहां जहां पे कोशिकाएं निकलती है आजू बाजू से हटने लगती है एक दूसरे के ऊपर, पतली से लेयर होती है, कॉलम नहीं होते, कॉलमनर एपिथेलियल में कॉलम होते हैं। तो स्क्वामस सेल जो होती है वो फ्लैट होती है, जैसे फिश के स्केल होते हैं, मछली के स्केल, वैसे माइक्रोस्कोप में देखने पे एकदम छिलके जैसे निकलती है। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को हम एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा भी बोलते हैं। तो ये नाम है, डिस्प्ले जरूर करेंगे। इसके बाद एक कार्सिनोमा आता है वो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ट्रांजिशनल सेल मतलब ऐसी सेल जो थोड़ी सी चेंज हो गई है, अब ये बदल गई है, अपना परिवर्तन कर चुके हैं। ये यूरो एपिथेलियम में होता है। यूरो एपिथेलियम कहां होते हैं? यूरोथेलियम। पेशाब के जो ब्लैडर की जो नलियां हैं
उसमें जो कैंसर होता है वो यूरोथेलियम होता है, उसमें ये कार्सिनोमा फैलता है। दिस टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ एपिथेलियम दैट कैन गेट बिगर एंड स्मॉलर, मतलब कभी ये कोशिका बड़ी हो जाती है, कभी ये कोशिका छोटी हो जाती है। उसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलते हैं, ट्रांजिशन, एक से दूसरे में चेंज होना, अपना रंग, अपना रूप बदलना। तो ये ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर को आने वाली नली जो किडनी से ब्लैडर में आती है, नली यूरेटर जिसको बोलते हैं, उसमें होता है, किडनी में होता है, कुछ पार्ट में जैसे रीनल पैल्विस में कैंसर हो गया तो, और कुछ अलग अलग अंगों में मिलता है। तो ब्लैडर, यूरेटर और किडनी के जो कैंसर होते हैं वो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होते हैं। बात समझ में आ रही है, कहां पर एडेनोकार्सिनोमा होगा, कहां बेसल सेल कार्सिनोमा होगा, कहां स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा और कहां ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होगा। तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स यदि कोई देख रहे हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, वो बात समझ पाएंगे कि किडनी में कौन सा, ब्लैडर में कौन सा, यूरेटर में कौन सा, हम जरूर लिख के यहाँ पे देंगे। वैसे ही आता है अगला कार्सिनोमा। तो ये जो हम बात करते हैं ये कार्सिनोमा की बात करते हैं। कार्सिनोमा मतलब कोशिकाओं से उत्पन्न हुआ, कौन सी कोशिका, टिश्यू की वाली टिश्यू जिनसे बना है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, तो आंतों का, मुंह का, मुंह के अंदर का, ब्लैडर का, इंटेस्टाइन का, सब कवर हो गया। अभी आते हैं हम सार्कोमा में। ये क्या है, सार्कोमा जो होते हैं ये सॉफ्ट टिश्यू के होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के बनने वाले कैंसर है। सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी में क्या क्या आता है, आपकी मांसपेशी आती है, आपकी हड्डियां जिन जिन चीजों से जुड़ी हुई है, हड्डी और मांसपेशी जिस चीज से जुड़ी हुई होते हैं टेंडन। तो टेंडन में फैट जो होता है उसमें भी गांठें बनती हैं, उसमें भी कैंसर डेवलप होता है। ब्लड वेसल्स जो है, खून की नलियां, उसमें भी होता है। लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक जिसे सफेद रक्त कण जानते हैं, ये भी एक अलग तरह का सिस्टम है जिसके बारे में बताऊंगा मैं। तो ये इसमें नर्व्स आपकी हैं या टिश्यू अराउंड जॉइंट जो है उसमें भी सार्कोमा होता है। तो सार्कोमा आर द कैंसर दैट फॉर्म्स इन बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू। तो आपकी हड्डियों में होने वाला कैंसर सार्कोमा कहलाता है, आपकी सॉफ्ट टिश्यूज में आने वाला कैंसर सार्कोमा कहलाता है। और सॉफ्ट टिश्यू क्या क्या होते हैं भाई बताओ, सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं आपकी बॉडी की मांसपेशी, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाली एक रचना जिसको टेंडन कहते हैं वो फैट सॉफ्ट टिश्यू है, आपकी ब्लड सप्लाई, आपकी खून की नली जो है सॉफ्ट टिश्यू है, आपके लिम्फ वेसल सॉफ्ट टिश्यू है, आपकी नर्व जो है वो सॉफ्ट टिश्यू है, और आपके ज्वाइंट के आसपास का जो टिश्यू है वो सॉफ्ट टिश्यू है इंक्लूडिंग। तो इसमें क्या आ गया, मसल, फैट, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, फाइब्रस टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, सब आ गए। अब इसमें एक वैरायटी और है जो कैंसर ऑफ द बोन होता है, हड्डियों का कैंसर क्या कहलाता है भाई, हड्डियों का कैंसर कहलाता है ऑस्टियोसार्कोमा। तो हड्डियों का कैंसर हो गया ऑस्टियोसार्कोमा। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्ट टाइप टिश्यू का सार्कोमा जो होता है, जो मैं बताने वाला हूं, मैंने अभी बताया आपको हड्डियों का जो कैंसर है वो ऑस्टियोसार्कोमा, हड्डी है तो ऑस्टियोसार्कोमा। और सबसे कॉमन जो सॉफ्ट टिश्यू का कार्सिनोमा है वो है लियोमायोसार्कोमा, जिसको कैपोसी सार्कोमा बोलते हैं या मेलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा बोलते हैं। बड़े अजीब अजीब से नाम है लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़े काम की चीजें हैं। लिपोसार्कोमा होते हैं, डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा होते हैं। तो डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा प्रोटोबरेंस, ये गांठ जैसे बन जाता है। तो अजीब अजीब से नाम भले ही आपको लग रहे हैं लेकिन ये होते हैं। और लियोमायोसार्कोमा, कैपोसी सार्कोमा या मेलिग्नेंट फाइब्रस सार्कोमा, हिस्टियोसार्कोमा, इस तरह के नाम है इनके। और ये सार्कोमा सॉफ्ट टिश्यू से होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया ऊतकों वाला, आपके आंतों में, आपके पेट के अंदर के सभी अंगों में, लैटिन की जगह तक सब तरह के कैंसर के नाम गिना दिया, पेट में कहां पे हुआ, आंतों में कौन सा हुआ, ये उसके बाद मैंने बताया सॉफ्ट टिश्यू में। अब बती है ब्लड की बारी। तो ब्लड में जो होता है उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर, मतलब ऐसा कैंसर जो ब्लड को बनाने वाली कोशिकाएं जो है उससे स्टार्ट हो। कैंसर डेट बिगिंस इन द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू ऑफ द बोन मेरो। बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा, आपकी जो बड़ी हड्डियां होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनमें अस्थि मज्जा होती है, बोन मेरो होता है, वहीं से ब्लड बनता है, खून बनता है और यहीं से ब्लड की सेल्स बनती हैं। और यदि ब्लड सेल कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते जाएं, बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाएं, तो इसे बोला जाता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में कोई गांठ नहीं होती, देयर इज नथिंग, मतलब कोई एक सॉलिड गांठ नहीं होती, डू नॉट फॉर्म्स एनी काइंड ऑफ सॉलिड ट्यूमर। ब्लड कैंसर में, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर में किसी भी तरह की सॉलिड गांठ नहीं होती। इसमें केवल जो ब्लड सेल्स है वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल, WBC, सफेद रक्त कण, जो हमें
किससे बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाती हैं और ल्यूकेमिया की इस सेल्स को ल्यूकेमिक सेल्स बोलते हैं या ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, जिनसे और भी बहुत सारी सेल्स बनती हैं और ये तकलीफ पहुंचाता है। क्या तकलीफ होती है इसमें कि एबनॉर्मल सेल्स तो बहुत होगी लेकिन जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होती है, नॉर्मल सफेद रक्तकण होते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता, बॉडी की कोशिकाओं को, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलता, क्योंकि जो नॉर्मल सेल्स का काम है वो ऑक्सीजन देना है, लेकिन एबनॉर्मल सेल्स ऑक्सीजन कैरी करती नहीं है, वो तो फ्री रेडिकल जनरेट करवाती रहती हैं और भी दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती हैं। बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, बॉडी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती ठीक से, ब्लीडिंग ज्यादा होती है और इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाती, हमारी इम्यूनिटी और वीक हो जाती है और बॉडी दूसरे इन्फेक्शन से गिर जाती है। How quickly the disease get worst, मतलब कितनी तेजी से बीमारी फैलती है ब्लड कैंसर, उस पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह का है, ये एक्यूट है या क्रॉनिक है। मतलब ब्लड सेल डिफ्रेंशिएट हुई, टूटी कुछ समय पहले हुई और उसके बाद कुछ अभी तुरंत हुई है और कुछ कई सालों से हो रहा है, तो एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म में चेंज हो गई। अब इसमें भी सीरीज अलग अलग है, जिस तरह की कोशिकाएं हो सकती है, तो लिम्फोब्लास्टिक अलग है और माइलोब्लास्टिक अलग है। तो लिम्फोब्लास्टिक और माइलाइट दो तरह की इसमें सीरीज हो गई। तो ल्यूकेमिया के बारे में बात करेंगे हम अलग सीरीज में, ब्लड कैंसर के बारे में बात करेंगे कि ब्लड कैंसर क्या होता है। हम यहाँ टिश्यूज के आधार पर, कोशिकाओं और ऊतकों के आधार पर जान रहे हैं सेल्स और टिश्यूज के अकॉर्डिंग कि कैंसर किस किस प्रकार के होते हैं। एक होता है लिम्फोमा, लिम्फोमा अब हम आ रहे हैं ब्लड के अंदर, अभी ब्लड में आए, ब्लड के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है जो टी सेल्स और बी सेल्स कहलाती हैं, टी सेल्स और बीटा सेल्स, इनका काम होता है प्रतिरोधक तंत्र। लिम्फोमा काम करता है प्रतिरोधक तंत्र में, ऐसा कैंसर जो प्रतिरोधक तंत्र की कोशिकाओं के अव्यवस्थित तरीके से बढ़ने से और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से होता है। लिम्फोमा इज अ कैंसर दैट बिगिंस इन लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट कौन सी, टी सेल्स और बी सेल्स। डिसीज से फाइट करने के लिए सफेद रक्तकण जो हैं अपने इम्यून सिस्टम में काम करते हैं, ये इम्यून सिस्टम का भाग होते हैं टी सेल्स और बीटा सेल्स। इनसे जो ट्यूमर बनता है वो लिम्फोमा कहलाता है। एबनॉर्मल लिम्फोसाइट बिल्ड होती है लिम्फ नोड्स में और लिम्फ वेसल में। अब ये लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक तरह का सफेद द्रव है जो सफेद रक्तकण जिसमें जो मैक्सिमम बहते हैं उसमें सफेद रक्तकण रहते हैं, और ये एक तरह का अलग ही तरह का पाइपलाइन है। एक तो खून जाने वाला जिसमें लाल रक्तकण जाते हैं, वो लाल और नीली वाली पाइपलाइन आपकी अलग है, और ये है सफेद रक्तकण वाली पाइपलाइन, ये पूरी तरह अलग होती है। तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स में जाते हैं, बीच बीच में चौकियां जैसे होती है ना आपके थाने और चौकी, तो मेन थाना अलग और चौकी, मेन थाना आपका हार्ट है और चौकी चौकी अलग है, वो लिम्फ नोड्स हो गए आपके। तो लिम्फ नोड में लिम्फ वेसल्स होती हैं, इसमें लिम्फ सप्लाई होता है जैसे ब्लड सप्लाई होता है। तो लिम्फोमा कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक होता है हॉजकिन लिम्फोमा और एक होता है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ऐसा ट्यूमर, ऐसा कैंसर जो कि आपकी लिम्फेटिक्स में हो रहा है, लिम्फ वेसल्स में हो रहा है। तो हॉजकिन लिम्फोमा पीपल विद द हॉजकिन लिम्फोमा हैव एबनॉर्मल लिम्फोसाइट विच आर कॉल्ड रीड स्टीनबर्ग सेल्स, कोशिका का नाम है रीड स्टीनबर्ग। जब आपकी पैथोलॉजी की जांच होती है तो रीड स्टीनबर्ग सेल्स दिखती हैं, हम समझ पाते हैं कि ये हॉजकिन्स है। इसमें बीटा सेल्स पे काम होता है, बीटा सेल अनियंत्रित ग्रोथ करती है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, रीड स्टीनबर्ग सेल्स फाउंड करके आपको रिपोर्ट में आता है। दूसरा है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, हम लिम्फोमा की बात कर रहे हैं। तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, दिस इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ कैंसर, वो छोटा ग्रुप था लेकिन ये लार्ज ग्रुप है, दैट स्टार्ट्स इन लिम्फोसाइट एंड द कैंसर वेरी क्विकली ग्रो, और बीटा सेल्स या टी सेल दोनों में से किसी में हो सकता है। तो हॉजकिन और नॉन हॉजकिन में जो चेंजेस है वो यही है कि नॉन हॉजकिन वाला स्पीड से ग्रो करता है। लिम्फोमा के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबी सीरीज है कैंसर के बारे में, पूरी बातें हैं एक एक चीज, लिम्फोमा क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, कार्सिनोमा क्या होता है, मायोमा क्या होता है, माइलोमा क्या होता है, एडिनोसार्कोमा क्या होता है, एडिनोमा क्या होता है, हर एक चीज पे हम बात करेंगे। हम यहाँ अब बात कर रहे हैं मल्टीपल माइलोमा के बारे में। अब ये क्या होता है मल्टीपल माइलोमा, एक तरह का कैंसर जिसमें प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं, ब्लड का जो पार्टिकल्स हैं जो आपके रक्त के कण है उसको हटा दिए तो जो बचा हुआ भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो
ऐसी कोशिकाएं प्लाज्मा, उस फ्लूड में जो कोशिका होती है उसको प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। तो प्लाज्मा सेल्स इम्यून सिस्टम का एक और भाग है। तो ये इम्यून सिस्टम का एक भाग है, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो इसको हम बोलते हैं माइलोमा। ये भी बोन मोरे में बनती है और ट्यूमर बनाती है, और बोन्स में ट्यूमर बनाती है, बाकी के दूसरे भाग में भी बनाती है, लेकिन और इसका नाम है जाता है मल्टीपल माइलोमा, क्योंकि बहुत सारी जगह है सेल्स जहां जहां है वहां पर ये बनेगा। और मल्टीपल माइलोमा के बारे में भी और प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म के बारे में भी बात करेंगे। एक और ट्यूमर आता है जिसको बोलते हैं मेलनोमा। मेलनोमा होता है मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स में। मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स क्या होती है? मेलानिन एक तरह का कण है, एक तरह का पार्टिकल है जो आपकी स्किन को कलर देता है। जैसे आपको ये, जैसे मुझे यहाँ पे ये तिल दिख रहे हैं, ये तिल मेलानिन के हैं। तो मेलानिन पार्टिकल होता है, स्किन को कलर देता है। मेलानिन की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसको मेलानिन के सेल्स को बोलते हैं मेलानोसाइट। मेलानोसाइट बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, मेलेनोमा कॉज करेगा, विच आर एक्चुअली स्पेशलाइज सेल दैट मेक्स मेलानिन। मेलानोसाइट्स क्या होती हैं? मेलानिन बनाने वाली, मतलब स्किन को कलर देने वाली कोशिकाएं। तो इनका जो कोशिका का जो स्तर है, जिस तरह से ये फॉर्म करते हैं कैंसर, उसको बोलते हैं मेलेनोमा। स्किन के कैंसर या इंट्रा ऑक्यूलर मेलानोमा, स्किन का कैंसर हो या आंख के अंदर भी मेलानिन पिगमेंट होता है रेटिना में, तो इंट्रा ऑक्यूलर मेलानोमा भी होता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं कुछ ट्यूमर जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये डिफरेंट टाइप के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर होते हैं, और इनका नेम बेस होता है उनके टाइप की कोशिका में कि किस तरह की कोशिका आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब आपके दिमाग में है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि एस्ट्रोसाइट्स हैं, जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं स्टार दिखती हैं आपकी ब्रेन के अंदर, कोशिकाओं की बात कर रहा हूं, उसमें जो ट्यूमर होगा उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोसाइटिक ट्यूमर। स्टार शब्द की ब्रेन में कोशिकाएं होती हैं जो आपकी जो नर्व सेल्स है उसको हेल्दी रखती है। तो ब्रेन ट्यूमर आपके दोनों प्रकार के हो सकते हैं, बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। एस्ट्रोसाइटोमा मेनली कॉमन होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स बच्चों में अलग होते हैं, बड़ों में अलग होते हैं, बुजुर्गों में अलग होते हैं। उनका पैटर्न, उनका काम करने का तरीका, कितनी स्पीड से ग्रो करेगा, सब अलग है। तो इसको भी एक बार में डिस्कस करेंगे। वैसे कुछ अलग टाइप के ट्यूमर भी होते हैं जिसको मैं बहुत तेजी से बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल कौन सी होती है? जर्म सेल जो दूसरी कोशिकाओं को जन्म देती है। कौन कौन सी? एग और स्पर्म। स्पर्म और एग से बनने वाले ट्यूमर को जर्म सेल ट्यूमर होते हैं, बेनाइन और मेलिग्नेंट दोनों होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पर्म यानी शुक्राणु और एग यानी अंडाणु, इनसे भी क्या कैंसर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इनसे भी कैंसर होते हैं और रेयर कैंसर में है। ये आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास में तो होंगे ही होंगे, शायद में बॉडी के अलग सिस्टम में भी हो सकते हैं। एक होता है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। अब न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर ऐसा होता है जहां हार्मोन बनते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन बनते हैं, हार्मोन वाले ट्यूमर होते हैं, ज्यादा हार्मोन रिलीज करते हैं तो सिग्नलिंग सिस्टम गड़बड़ होता है नर्वस सिस्टम का, और बहुत ज्यादा हार्मोन्स की तादाद बढ़ जाती है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी दोनों प्रकार के होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जो है इसमें भी अलग थोड़ी थोड़ी वैरायटी है, मतलब आपकी जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उसमें होने वाला ट्यूमर है। एक ट्यूमर हमने पता किया था, पढ़ा था, वो कार्सिनोमा होता है, जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स है उसमें भी कार्सिनोमा होता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा, ये भी उसमें होता है जिसमें ग्लैंडुलर सेल्स, जिसमें ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां ज्यादा एपिथेलियम की, ये समझना जरूरी होता है। तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही जानदार वीडियो है। अब मैं बात कर रहा हूं कि कार्सिनोइड ट्यूमर क्या होता है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की बात कर रहे हैं हम, तो कार्सिनोइड ट्यूमर एक तरह का न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है और स्लो ग्रो करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, मतलब पेट में आपके पाया जाता है, रेक्टम में मतलब आपके लैट्रिन की जगह में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पाया जाता है, लीवर में भी स्प्रेड कर जाता है, और सेरोटोनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करता है। कॉमन ट्यूमर नहीं है, थोड़ा सा अनकॉमन है। तो इस तरह के ट्यूमर के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की, कितने प्रकार के कैंसर हुए। एक बार बहुत शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से तरह के ट्यूमर के बारे में हमने पढ़ा। इसमें हमने बात की कि 100 प्रकार के कैंसर होते हैं, और उस कैंसर में मेनली जो कैंसर का नाम के हिसाब से हम जानते हैं कि इस अंग में होता है, लेकिन हमने यहाँ पे बात की सेल्स और ट्यूमर उसके टिश्यूज के बारे में कि कौन सी कोशिका में किस टिश्यू में हुआ, उसके अकॉर्डिंग में ट्यूमर कौन कौन से होते हैं। हमने बात की सबसे पहले
कि कार्सिनोमा क्या होता है, कार्सिनोमा कैसे होता है, कार्सिनोमा किस ऊतक में पाया जाता है, हमने बात की कि एपिथेलियल सेल्स में होता है, उसके बाद कार्सिनोमा में भी एडिनो कार्सिनोमा होता है जो ब्रेस्ट वगैरह में होता है, उसके बाद बेसल सेल कार्सिनोमा बेसल सेल से आया, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के बारे में बात की, फिर ये अलग अलग सेल्स के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमने बात की ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा के बारे में, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा अलग एक तरह का ऊतक दूसरे तरह के ऊतक में चेंज हो जाता है, किडनी यूटर ब्लैडर सब जगह पर ट्रांजिशनल, उसके बाद हमने बात की सार्कोमा के बारे में, बहुत जल्दी रिपीट कर रहा हूं, सार्कोमा होता है सॉफ्ट टिश्यू में होने वाला ट्यूमर, मसल्स में टेंडन में फैट वाली जगह पे ब्लड को सेल्स में ब्लड वेसल्स में लिम्फ वेसल्स में नर्व्स में टिश्यूज में सब जगह होता है सार्कोमा जो होते हैं इंपॉर्टेंट है उसको नोट करना, सार्कोमा भी बहुत कॉमन ट्यूमर है, और ऑस्टियोसार्कोमा कैंसर ऑफ द बोन जिसको बोलते हैं बहुत कॉमन है, लियोमायोसार्कोमा कैपोसिसार्कोमा मैलिग्नेंट फाइब्रोहिस्टियोसाइटोमा लिपोसार्कोमा बहुत सारे कैंसर हैं। उसके बाद हमने बात की ल्यूकेमिया के बारे में, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है, ब्लड बनाने वाली कोशिकाओं में होता है और ये कोशिकाएं होती है आपकी बड़ी हड्डियां जो होती हैं उनमें अस्थि मज्जा में बोन मैरो में बनता है। तो इस तरह से हमने बात की कि किस तरह से ल्यूकेमिया फैलता है, ल्यूकेमिया के टाइप एक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकेमिया, लिम्फोब्लास्टिक और माइलाइड ल्यूकेमिया, और उसके बाद बात की लिम्फोमा के बारे में, तो टी सेल और बी सेल लिम्फोमा, इसमें भी हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, हॉजकिन धीरे फैलता है, नॉन हॉजकिन बहुत स्लोली फैलता है, रीड स्टीनबर्ग सेल के बारे में बात किया, पता किया कि हॉजकिन में रीड स्टीनबर्ग सेल मिलेगी इसमें नहीं मिलेगी, इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट किया, बहुत सारे प्लाज्मा सेल के ट्यूमर के बारे में बात किया, मेलेनोमा के बारे में बात किया कि मेलानिन पिगमेंट की वजह से मेलानोमा होता है, तो इस तरह से हमने बहुत सारे कैंसर के बारे में डिस्कशन किया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर के बारे में बात किया कि किस तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर होते हैं, एस्ट्रोसाइट होती है ब्रेन में तो एस्ट्रोसाइटोमा होता है, वैसे जर्म सेल के ट्यूमर होते हैं, जर्म सेल का ट्यूमर मतलब एग और स्पर्म में होने वाले ट्यूमर, उसमें भी इन्फेक्शन होते हैं, उसमें भी कैंसर फॉर्म होता है, आपने शायद पहली बार सुना होगा। वैसे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के बारे में बात किया कि ये आपकी ऐसी जगह पे होता है जहां पर ग्रंथियां होती है, तो ग्रंथियों के हार्मोन्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं और बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इस तरह से हमने कार्सिनोइड ट्यूमर के बारे में बात की, ऐसे सभी ट्यूमर के बारे में बात की। तो ये बहुत डिटेल स्टडी है, जरूर देखिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपको हमारे चैनल की ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, और ये बहुत हाई लेवल की स्टडी है, बिल्कुल हाई लेवल का नॉलेज आपको जरूरी है, और इस तरह का नॉलेज आपको हमेशा मिलता रहेगा बहुत सामान्य भाषा में, ऊतक कैसे होते हैं, कोशिका क्या होती है, किस तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे कैंसर होते हैं, कितने प्रकार के कैंसर होते हैं। मैं मान रहा हूं कि आपको वीडियो थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन बहुत काम का वीडियो है, थोड़ा स्लो चलते हैं हम लेकिन बाद में फास्ट हो जाते हैं, अगले वीडियो से ध्यान रखेंगे कि और स्पीड बढ़ा के लेकिन और सामान्य भाषा में आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के कैंसर हैं नाम के हिसाब से और कौन कौन सी जगह में पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।